ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता। नमो गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आई होप यू ऑल हैप्पी। क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और दो तो तीन और विद्यार्थियों के कहाँ चले गए? ज्योत्सना जी, आपको समझ में आ रहा है? देवाशीष मिश्रा जी, आप समझ पा रहे हैं? देवाशीष जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज क्या आपको समझ में आ रहा है? गौरव जी। हाँ जी, जी, आप समझ पा रहे हैं? सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सैलन सिंह जी, आपको समझ में आ रहा है? ठीक हाँ जी सर, आ रहा है समझ में। है। विपिन जी, अपना वीडियो ऑन करें। जी प्रणाम गुरुदेव आपको भी समझ में आ रहा है? ठीक जी। सर जी, और कौन? अच्छा, दिव्या जोशी जी, आप समझ पा रही हैं? जी समझ में आ रहा है। मोनिका जी, आपको समझ में आ रहा है? ठीक दीपक मलिक जी, कैसे हैं? आपका स्वागत है। हम लोग आज कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया समझने का प्रयास करते हैं। जीवन में जितना प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही जीवन आपका अच्छा चलेगा। सो मनुष्य को प्रयास और अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस व्यक्ति ने प्रयास छोड़ दिया और अभ्यास छोड़ दिया, वो समझ लो सब कुछ भूल जाएगा। ये हमारी जन्म कुंडली। आप लोग पेन पेपर का पे यूज किया करो। कुछ खींचेंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ तोड़ेंगे, तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। इसको काउंट करिए। इसमें कुल जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो 12 है। कुल मिला के 12 खाने हैं इसमें। इन्हीं 12 खानों को ही हम लोग ज्योतिष की भाषा में 12 हाउसेस कहते हैं। हमारी जन्म कुंडली में कुल 12 घर होते हैं, और ये जो 12 घर होते हैं यही हमारी जीवन की यात्रा को बताते हैं। इन विच डायरेक्शन आवर लाइफ विल गो। अगर ये 12 घर आपके बहुत स्टेबल है तो लाइफ आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन चलेगी। नहीं स्टेबल है, देन इट विल गो इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो इन 12 घरों को पढ़ना पड़ता है। पिछली कक्षा में जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको बताया था कि ये 6 हाउस छठा, 6, 8, 12, ये नेगेटिव हाउसेस हैं आपके लिए। ये आपके जीवन में हमेशा दुख लेके आएंगे।
ये आपको परेशान करेंगे, हैरान करेंगे। तो 6 से 12 को आपको मजबूत करना है। अगर आप 6, 8 और 12 हाउसेस को मजबूत करेंगे तब लाइफ आपकी बहुत पॉजिटिव चलेगी। और नहीं मजबूत कर पा रहे तो क्या हो, जीवन में नकारात्मकता बहुत रहेगी, आप अपने जीवन को बैलेंस नहीं कर पाए। दूसरी भाषा हम लोगों ने समझी थी कि पहले हाउस के स्वामी को लग, पहला हाउस लग्न होता है, ये फर्स्ट हाउस है, ये पहला घर है, फर्स्ट हाउस ये हमारा लग्न है। और चंद्रमा जिस भी जगह बैठे, चंद्रमा जिस भी कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगा वही उस कुंडली की राशि हो जाएगी। ये पॉइंट काफी अच्छे से समझने का है। इसको समझने का विषय क्या है, चंद्रमा को कैसे समझे? ये जो हमारा मन होता है, किसी भी व्यक्ति को देखे तो उसके पास एक सोचने और समझने की शक्ति है। हम अभी कुल मिला के 12 लोग हैं इस कक्षा में, और हम 12 लोगों की सोचने समझने की एक ही शक्ति नहीं है। हम लोग अलग अलग ढंग से, एक ही घटना हमारे जीवन में घटित होगी, कोई उसको हंस के उड़ा देगा, कोई इसको रिटेलिएट करेगा। मतलब हम सारे लोग मिल करके, मतलब एक तरह से सोच नहीं सकते, वी कैन नॉट थिंक इन अ वन वे। एसपी जी, विपिन जी, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। ज्योत्सना जी आप कहाँ चली गई? देखिए वीडियो ऑन करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाता है तो आपको दिखाई देता है। जैसे अभी देखिए ज्योत्सना जी आउट ऑफ कॉलेज, तो कम से कम अटेंशन यू कैन गिव। दूसरी बात ये समझ में आती है कि देखो आप, आपकी जो इंद्रियां हैं दे आर द गेटवे ऑफ, दे आर नॉट द गेटवे ऑफ हैप्पीनेस बट दे आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज। ज्ञान हम इंद्रियों से ही प्राप्त करते हैं, देखते हुए, सुन करके, देख करके, सुन करके। यूजर ट्राई कॉलिंग व्हाट यू मीन बाय व्हाट यू से कॉल। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी इंद्रियों को ठीक रखें। जो हमारा मनस होता है, मानसिक स्तर होता है, ये जीवन को बहुत कुछ बताता है। चंद्रमा की लोकेशन जिस भी घर में होती उसमें जो राशि लिखी होती वही व्यक्ति की राशि होती, ये कोई साधारण बात नहीं है। मनुष्य की जो राशियां हैं हम लोगों ने 12 बनाई। अब चंद्रमा जिस भाव में बैठ जाए वही उस व्यक्ति की राशि। जो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट होता है, आप देखो इस बात को कि दो मनुष्य अगर आपको दिए जाए तो दोनों से आप अलग अलग व्यवहार करें। कोई आपको लगेगा कि बहुत अच्छा व्यक्ति। अब हम किसी के लुक की बात नहीं करते, पर्सनालिटी की बात नहीं करते, उस व्यक्ति का जो इनर बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं उसकी राशि से प्रभावित होता है। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग सकता है, वही पर्टिकुलर व्यक्ति किसी दूसरे को अच्छा नहीं लग सकता। तो उसकी जो राशियां होती हैं, मन की स्थिति होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मन स्थिति अगर बदल जाए तो परिस्थिति बदल जाती है। अगर आपके सोचने का तरीका बदल जाए तो चीजें आपके जीवन की बदल जाएंगी। इसमें सपोज कर लो आप अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में देखते हैं तो कुल हमारे पास 12 राशियां। चंद्रमा जिस राशि में होगा वही उस व्यक्ति की राशि होती है। सो जो हम मन स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं वो चंद्रमा की स्थिति से जानते हैं।
उस व्यक्ति का चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा किस स्थिति में? देखिए मेरी जो क्लासेस हैं ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, इसमें हम आपको एक विषय बताएंगे उससे प्रिडिक्शन बताते हैं, उसको आपको हमेशा समझना चाहिए। जब किसी व्यक्ति की कुंडली खोलते हैं तो उसमें क्या देखेंगे? लोगों के समझ से बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि हम कहाँ से शुरू करें। कुंडली तो खोल ली, फ्रॉम वेयर टू बिगिन? सो फ्रॉम वेयर टू बिगिन में होता है कि उस कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति होगी, वेयर द मून इज प्रेजेंट, वही उस व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को बताती है। इंस्टेंटली जो है उस व्यक्ति के मन स्थिति जो है चंद्रमा की स्थिति बताएगी। सपोज कर लो आपके पास एक चार्ट है, ये है लग्न कुंडली, ये लग्न कुंडली। अब इस लग्न कुंडली में आप मून को ढूंढिए, देखिए मून यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है 2 नंबर। सो टू स्टैंड फॉर वृषभ, ये टॉरस है। ये जो कुंडली बनी है ये वृषभ राशि की। जैसे ही आपने ये बता दिया कि ये पर्टिकुलर जन्म कुंडली वृषभ राशि की बनी है, इसका मतलब हुआ कि चंद्रमा इस कुंडली में वृषभ राशि। जैसे होता नहीं कि आपसे कोई अपना एड्रेस पूछता है तो आप अपना बताते नहीं हो कि आई बिलोंग फ्रॉम दिस सो एंड सो स्टेट, मेरा डिस्ट्रिक्ट ये है, नियरेस्ट लोकेशन ये है, तो आपका एग्जैक्ट एड्रेस पता चल जाता है। उसी तरह किसी भी लग्न कुंडली का आपको 2 पॉइंट हमेशा रखना है, लग्न क्या है और राशि क्या है, किस लग्न की वो कुंडली बनी है और उस कुंडली की राशि क्या है। सो फॉर एन एस्ट्रोलॉजर दिस राशि डिपिक्ट द पोजिशन ऑफ मून इन द होरोस्कोप। ये चंद्रमा की स्थिति को बताता है कि चंद्रमा होरोस्कोप में किस राशि में विद्यमान है। तो इस तरह हमारे पास कुल 12 राशियां होती है। कभी कभी आप लोग राशिफल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होगा चंद्र चंद्र राशिफल। तो चंद्र राशिफल, व्हाट डज इट मीन बाय चंद्र राशिफल? चंद्र राशिफल मीन्स दिस प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ मून इन द राशि। जो मून की लोकेशन है उसके बेसिस पे ये प्रिडिक्शन किया गया। अब एक प्रिडिक्शन हम करते हैं, देखिए ज्योत्सना जी से प्रारंभ कर। ज्योत्सना जी आपकी राशि क्या है? आप अपने धनु आप को राशि, धनु धनु राशि। राशि, तुला। अंजना जी आपकी राशि क्या है? विपिन जी आपकी राशि क्या है? देवाशीष मकर। जी आपकी राशि क्या है? हाँ जी मेष राशि है। मेष राशि है। शैलेन जी अपनी राशि बताइए। दीपक सिंह राशि। जी आपकी राशि क्या है? सुनील गौरव जी आप अपनी राशि बताएं। वृश्चिक वृश्चिक राशि। एमके जी अपनी राशि बताइए। मोनिका जी आपकी राशि क्या है? धनु हाँ जी धन धनु 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 राशि। एसपी जी आपकी राशि क्या है? दिव्य जी कुंभ जोशी जी आपकी राशि क्या है? तुला। तुला। अब इसमें आप देखोगे बाकी राशि तो अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आप चेक करो, जिनकी वृश्चिक राशि है उनके मन की स्थिति हमेशा गिरी हुई रहती है और कंफ्यूज स्टेट रहता है, व्हाट शुड आई डू, किसकी वृश्चिक राशि है इसमें। आपको डायरेक्शन लाइफ में मिल पाता है कि हमेशा कंफ्यूजन रहती है? नहीं मिल पाता। जी गुरु जी, मेरी भी वृश्चिक है, वो सॉरी माइक बंद था। हाँ जी हाँ, दीपक जी भी वृश्चिक मिल गए और वृश्चिक राशि ये को प्रभावित वो के दिमाग में कोई पड़ ही नहीं सकता। वृश्चिक राशि के जातक जो है, जैसे पिछले जन्म मार देता है तो इनके शत्रुओं को काफी संभल के रहना पड़ता है। दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज अब जैसे बिच्छू के डंक मार दिए तो फिर आप देखो पीड़ा कितनी आ रही है, अपने शत्रुओं को कभी भूलते नहीं है।
बट एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड आती है, ये अगर अपने चंद्रमा को मजबूत करें तो लाइफ में बहुत सफल हो शत्रु को ब्याज समेत देने की कोशिश रहती है। जाएंगे। ठीक है, दीपक जी, ब्याज समझ लीजिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब इसमें जिसकी तुला राशि है, तुला राशि के जातकों का जो अप्रोच, किसकी तुला राशि है? देखिए दिव्या जोशी जी की, अंजना जी की भी तुला राशि है। ये लोग काफी बैलेंस अप्रोच अपनाते हैं। जैसे बैलेंस बीम बैलेंस होता है ना, थोड़ा थोड़ा, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ, हर चीज इनकी बैलेंस होगी, इनकी पर्सनालिटी बैलेंस होगी, वर्ड्स बैलेंस होगी, लुक, आप लोग लुक ही देख लीजिए तुला राशि के जाते हैं, खूब अच्छे से वेल मेंटेन चलेंगे। मीन्स ऑलवेज बैलेंस, कभी भी इन डिसबैलेंस लाइफ में इनके नहीं हो सकता। दे विल नॉट बी वेरी मच थिक ऑल्सो, दे विल नॉट बी वेरी मच थिन ऑल्सो, काफी गुड पर्सनालिटी होती है। इनके मित्र भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये बैलेंस अप्रोच लगाते हैं, ये सबसे मिलजुल कर रह लेते हैं। वहीं वृश्चिक राशि के साथ ऐसा नहीं होता, इनका इम्बैलेंस अप्रोच चलेगा। जो इनका मित्र है मित्र, जो इनका शत्रु है शत्रु। तो ये 12 राशियों के जो प्रिडिक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन द राशि, वो एग्जैक्टली मैच करते हैं। इसमें आपको अपना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, वो राशि है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस जातक के अंदर वो होगी। दिव्या जी, आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तुला राशि की? देखिए जी जी गुरु जी, हाँ है उनके अंदर। अंजना जी, आपके अंदर भी यही बैलेंस अप्रोच होता है। अब इसमें अब सिंह राशि के जातक को अगर आप देखेंगे, सिंह राशि मेष राशि, जो हम लोग पढ़ बिगनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेष राशि जो है फायरी साइन की होती है, ये अग्नि तत्व प्रधान राशियां होती हैं। तो अब इनका जो उत्तेजनात्मक अस्तित्व होता है, उत्तेजना का मतलब होता है छोटी छोटी बात पे अग्रेसिव हो जाना, लड़ने मरने के लिए तैयार रहना, हमेशा करेज बहुत ज्यादा होती है। इवन सिंह के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बीइंग अ गुड लीडर। तो ये डोमिनेट नहीं किए जा सकते, इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, दे कैन नॉट बी डोमिनेटेड, लीडर्स होते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जब आपके दिमाग में रहेगी, तभी चार्ट खोल करके लग्न और राशि के बेसिस पे उसका प्रिडिक्शन कर दो। अब चंद्रमा के विषय में अगर आप समझिए, वो चंद्रमा 12वें घर में चला गया। किसी व्यक्ति का चंद्रमा किन किन हाउसेस में बैठा है, तो कुल हमारे पास 12 हाउस होते हैं। तो इन 12वें हाउस में कौन से हाउस में बैठ के कौन सा परिणाम देगा? देखो, अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में गया, 6th हाउस में गया, 8th हाउस में गया, 12वें घर में गया, किसी भी राशि का, किसी भी साइन का हो, अब आप लोग अपना मन चंद्रमा देखो कहाँ का बैठा है। तो उसमें होता क्या है कि ये व्यक्ति की मन शक्ति को प्रभावित करता है। 12वें में जाएगा तो नींद ही नहीं आएगी रात, ऑलवेज देर विल बी स्लीपिंग डिसऑर्डर टू दैट पर्सन। किसी का है चंद्रमा 12वें? रात को नींद नहीं आती ना, बिल्कुल नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इस प्रॉब्लम्स को आप अगर प्रिडिक्शन से जोड़ते हैं, तो आप अपने इस ज्योतिषी लक्ष्य में सफल होंगे, और प्रिडिक्शन से नहीं जोड़ेंगे तब क्या करेंगे, तब आपको असफलता मिलेगी। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं का मूल्यांकन सही सही नहीं कर पाते, तो उनको खुल नहीं सकता आपके अंदर। बहुत सारी चीजें जीवन में पूर्व निर्धारित होती हैं। एसपी जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मोनिका जी आप भी कर लीजिए, विपिन जी है, देखिए मोनिका जी आपका चंद्रमा कहाँ है बताइए। सर सेकंड हाउस में है। आपका चंद्रमा 2nd हाउस में बैठ गया। 12वें में किसका किसका चंद्रमा था? जी सिर्फ एक लोग हो। 6 और 8 हाउस में किसका, किसी का नहीं। अब इस तरह अगर आप प्रेडिक्शन करने लगोगे, तो इससे होता क्या है कि आपका जो प्रोफेशनलिज्म होता है आपके अंदर, देखो इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन देर इज नो अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ। अगर आप प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है, मीन्स यू आर नॉट डूइंग राइट काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, सो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, देन यू से कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आते, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, उसका सिर्फ एक ही मात्र कारण है कि आपने अपने आप को ब्रश नहीं किया। जैसे भगवान जब हम लोग उत्पन्न होते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर दांत देते हैं, पर कुछ लोगों के दांत टीथ आप देखेंगे बड़े सुंदर होते हैं, और कुछ के क्या होते हैं, पान चबा चबा के क्या कंडीशन कर लिए। इसका मतलब ये नहीं कि इज समथिंग यू हैव गॉट एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट इट।
जिस तरह यू नीड टू ब्रश योर टीथ, उसी तरह ये बहुत आवश्यक है। देखिए आठवें भाव में एम के जी का चंद्रमा है अष्टम में। अब देखिए जितने भी लोगों का चंद्रमा अष्टम में चला जाता है, देखिए एम के जी दिस इज नॉट प्रेडिक्शन फॉर यू, डोंट टेक इट पर्सनल। एम के जी अपना वीडियो ऑन करिए। देखिए कितना सुंदर भगवान ने अपनी नमस्कार। गरीब वीडियो क्यों बंद करके रखते हैं, हम लोगों को अपने सुंदर व्यक्तित्व का दर्शन नहीं कराना चाहते। ये अष्टम के जितने भी चंद्रमा के जातक होते हैं, इन सब का दिमाग वही अष्टम में चला जाता है। शादी कब हुई थी आपकी? 2009 में दहेज खूब मिला होगा आपको। क्या नहीं, बीवी अच्छी मिल गई, बस हो वही गया? दहेज है। वाइफ अच्छी मिल गई, वही दहेज है, अच्छा वाइफ अच्छी मिल गई। वही दहेज। अच्छा ये जो अष्टम के चंद्रमा होते हैं, इनका मन जो है ससुराल में बहुत लगता है। अच्छा, दे गेट लॉट ऑफ रिलेशनशिप थिंग्स वही से होते हैं। और भी इसका बैड इफेक्ट भी कह सकते हैं, कुछ लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगते हैं। मैं आपको नहीं कहता, डोंट टेक इट पर्सनल, बिकॉज ये सारी चीजें थोड़ा सा अदरवाइज होती हैं। तो अष्टम का चंद्रमा ये करता है, इससे बच के रहना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में, कभी कभी आप प्रिडिक्शन करने बैठोगे ना, कोई अननोन सा व्यक्ति आएगा, कहेगा मेरे जीवन में प्यार नहीं आ रहा, कब आएगा, कहां से आएगा। ये अष्टम के चंद्रमा के लोग बोलते हैं, बोलना सकते। मैं अपने जीवन में, मुझे आज तक कुछ मिला ही नहीं, प्रेम नहीं मिला, ये नहीं मिला। वो अनसेटिस्फेक्शन जो अष्टम हाउस का होता है ना, वो ब्रेन में चलता है। जीवन का जो मूल है वो मनुष्य का विचार ही है भाई। अब क्या सोचेंगे भाई, जो जो आपके मन की स्थिति होगी वही तो आप सोचेंगे। यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स। आप सोचिए इस बात को, कोई कोई व्यक्ति बैठ करके चंद्रमा के बारे में सोच रहा है कि मुझे मून पे जाना है, और कोई व्यक्ति सोच रहा है मुझे हिमालय पे जाना है, कोई कह रहा है मुझे समुद्र की गहराइयों में जाना है, कोई कह रहा है कि नहीं मुझे डेजर्ट में जाना है। मीन्स डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग, और सेम इवेंट इन टू पीपल विल ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। अगर हम आपसे ये कहें कि अभी आप बैठे बैठे 5 मिनट के लिए खूब खुश हुई, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके। क्या सोचें कि हमें खुशी मिल जाए, अभी तो कुछ है नहीं जीवन में। तो ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज योर वे ऑफ थिंकिंग। और यही 5 मिनट के लिए हम ये सोचना शुरू करें, वाह कितना अच्छा मेरा जीवन है, कम से कम एक घर तो है मेरे पास रहने के लिए, जहाँ एसी चला करके, पंखा चला के आराम से सो सकते हैं। भगवान ने बहुत सारे लोगों को जीवन में कितना दुख दिया, उनके पास घर ही नहीं। या फिर आप सोचना शुरू करिए कि एटलीस्ट आई एम वेरी मच हेल्दी टूडे, आई हैव गॉट टू हैंड्स टू लेग्स। मतलब जब तक आपके पास जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। यही देखिएगा, अगर अगर आपकी खुशी भविष्य में है तो मिलेगा नहीं। दैट्स वाई नो वी नीड टू लिव इन प्रेजेंट। और जब तक आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि ये ज्योतिष का कौन सा हिस्सा है। यही ज्योतिष का मेन पॉइंट है। अगर आप प्रसन्न नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे प्रसन्न करेंगे? पीपल विल कम टू यू जस्ट टू फील हैप्पी। लोग आपके पास इसलिए आते हैं कि उनको खुशी मिले। कोई अब आप खुद ही दुखी हुए बैठे हुए, ग्लूमी ग्लूमी फेस लेकर के, अब क्या आप दूसरे को खुशहाल बनाएंगे? तो अब अब हम क्या करें कि हम खुश हो जाएं? अब आप ऐसा सोचो कि कोई ऐसी उपलब्धि आपके जीवन में है जो आपको खुश कर सकती है। मनुष्य होना ही एक सबसे बड़ी खुशी का विषय है। इसी योनि से हम देवता बन सकते हैं, इसी योनि में हम भगवान बन सकते हैं। तो ये जो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग यू नो, ये आपको अपनी हमें हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी। स्ट्रेस स्ट्रेन इन सबको हटाना पड़ेगा, इन सबको आपको अपने दिमाग से निकाल करके बाहर फेंकना पड़ेगा। तो जब आप इसको फेंकने में कामयाब हो जाएंगे, तभी आप एक अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, नहीं तो फिर आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। ये देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर यू नीड टू बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो दुखी दुखी जैसा चेहरा लेके बैठा रहे तो आपको लगेगा ये तो खुद ही बीमार है, हमारा कौन सा इलाज करेगा। सो हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए आपको। खुशी पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वी नीड टू बी हैप्पी। और ये खुशी मतलब सोच से नहीं आ सकती, जब तक आप साधना के मार्ग पे नहीं जाएंगे तब तक आप खुश नहीं हो सकते। आप ऐसा समझ लो महात्मा बुद्ध एज ए सिद्धार्थ, ही वाज अनहैप्पी। सिद्धार्थ दुखी थे, उन्होंने रोज
रोगी को देखा, बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, मरे को, दुखी है, बहुत बहुत दुख है उनके पास। उनके पास राज है, पाठ है, शक्ति है, सब कुछ है। किस चीज का अभाव है? ज्ञान का अभाव है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया कि हमें सत्य को खोजना है। अब जब हम इस सत्य को खोज लेंगे तभी हम घर आएंगे। अपने तरीके से सत्य को खोजने के लिए वो निकल गए। सत्य की प्राप्ति भी हो गई उनको, और जब उनको सत्य की प्राप्ति हुई तो खूब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो किसी ने पूछा, भाई अब क्या हो गया, क्या मिल गया आपको कि हंस रहे हो? तो बोले, देखो पहले जो था मैं शरीर था, तो मुझे लगा कि शरीर रोगी होगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मृत्यु। अभी तो मैं आत्म चेतना हूं, न तो मैं रोगी हूं, न तो मैं बूढ़ा हूं, न तो बीमार हूं, मैं तो आनंद से हूं, फिर मुझे क्यों रोना? ये जो आनंद का स्वरूप होता है ये हर ज्योतिषी को फील करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक होते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दोनों को अगर अलग अलग कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा कि ग्रहों का कोई प्रभाव ही नहीं होता। जब ग्रहों का कोई प्रभाव ही नहीं होता तो दो लोग अलग अलग जीवन क्यों जीते हैं? एक ही परमात्मा है, वो एक ही खेत में अलग अलग किस्म के वृक्ष उगा दिया उसने, क्यों हुआ? ग्रहों का प्रभाव बिल्कुल होता है। जब दोनों को जोड़ करके चलेंगे तब जाकर के जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसी वजह से जब हम आपको ज्योतिष पढ़ाते हैं तो हमारा एक मेन उद्देश्य होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रडिक्शन। हमें आध्यात्मिक व्यक्ति से युद्ध नहीं करना कि वो कह दिया ज्योतिष है नहीं, और ज्योतिषी से भी युद्ध नहीं करना कि ग्रहों का ही प्रभाव पड़ता है, तुम्हारे कर्म नहीं प्रभावित करते। जीवन में हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आपके मन में उत्पन्न हुआ एक एक विचार आपको प्रभावित करता है, आप इसको माने या न माने। जिस दिन आप इस बात को मान लेंगे आपका संरक्षक ईश्वर है, उस दिन आपके दिमाग से चिंता हट जाएगी, आप अपने भविष्य की चिंताएं छोड़ देंगे। पर ये बात आप मानने को तैयार नहीं है कि हमारा हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, पल पल का ख्याल रखने वाली एक शक्ति है जिसको ईश्वर कहते हैं, वो हमारे सबसे नजदीक है। ये मन मानता ही नहीं है। अगर जिस दिन ये मन मान जाए ना, उस दिन सारा जीवन का कल्याण हो जाएगा आपके। मन से जिस दिन चिंता निकलेगी, भ्रम निकलेगा, निराशा निकलेगी, उस दिन आपके जीवन में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे। अब ये निकालेगा कौन? हु इज गोइंग टू टेक इट? इसको स्वयं से स्वयं की काय उत्थान करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध एक बात कहे, भाई बहुत अच्छी लगती है, आप दीपो भव, अपने प्रकाशक खुद ही बनो, अपने ज्ञान का स्रोत आप खुद बनो। आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको रास्ता नहीं दिखा सकता, प्रकाश नहीं दिखा सकता, तो अपने दीपक आप खुद बनिए। सौम्या भट्टाचार्य जी, आपका स्वागत है हमारी ज्योतिष की कक्षा में। अपना वीडियो ऑन कर ले। ये कैसे होगा बताइए? ये ऐसे होगा कि जब आप एक कोई टारगेट निर्धारित कर ले, जैसे मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे बहुत सारे लोगों को ज्योतिषी बनाना है, तो ये तो लक्ष्य निर्धारित हो गया। अब कुछ लोग इसमें वीडियो बंद कर गए, तो मुझे क्या करना है? उनसे निवेदन करना है, अनुरोध करना है कि अपना वीडियो ऑन कर लो। फिर उनको छोटे छोटे सूत्रों में जो मेन बात है वो पढ़ा देना है, जिससे उनका दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तब मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जो समस्या है वो ये है कि हम कुछ नहीं करना चाहते जीवन, और हम चाहते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है? मरने के बाद होती है। तो आप ही को पड़ेगा, हम तो मर नहीं सर सकते, एक बात बोलना है, बताइए। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, एक बात बोलना है। एक्चुअली मैं बाहर हूँ और वीडियो ऑन करना शायद सही नहीं होगा, उसलिए मैं बिल्कुल वीडियो बिल्कुल, आप ऑन अपने नहीं कर डोंट पा रहा हूँ। और उसके साथ साथ वरी, आप अपने कल भी मैं फ्रेंड्स अटेंड नहीं कर पाया था। मैं आपको बोला था कि इस हफ्ता शायद प्रॉब्लमेटिक होगा मेरे लिए, तो कोई उसीलिए नहीं है, ठीक नो है इशू, मैं आप ज्वाइन भी नहीं कर डोंट पाया था पहले। वरी, डोंट तो वरी, हम जस्ट कोई नाउ आई सजेस्ट हैव ज्वाइंड एंड इट विल रियली नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू ओपन द मीन्स अनम्यूट द वीडियो। देयर इज ठीक है नो सर, इशू, जस्ट तो शायद मैं कल कंटिन्यू। से रेगुलर बेसिस पे क्लास। आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर आपका रिस्पॉन्स। आवाज भी सही नहीं आ रहा है मैम। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम एक बार अपना वीडियो शेयर करेंगे, उसे आप देख लीजिएगा, मेरी आवाज स्पष्ट है, आपकी आवाज भी ठीक से आ रही है, बिल्कुल आप मत घबराएं। देखो दिस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। कोई एक विद्यार्थी क्लास से बाहर चला गया, कौन गया भाई? कोई नहीं गया। सो इस तरह की प्रवृत्ति हमें अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी।
अब दो चीजें हम लोगों ने समझ ली, एक विषय और हम आपको बता देते हैं, उसको भी समझ लीजिए। जैसे ही आपने कुंडली खोल लिया तो इसमें एक विषय होता है, उसको समझिए, वो है लग्न पंचम और नवम। ये मैंने कल पढ़ाया था, इसको इसको समझ लीजिए। लग्न जो असेंडेंट है, लग्न इनको क्या हो गया प्रभु, लग्न और पंचम और नवम। तो लग्न पंचम और नवम से क्या मतलब, लग्न पंचम और नवम लग्न लग्न पंचम और नवम। लग्न जो है फर्स्ट हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस है। इनकी दशा और महादशा ये अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे इस कुंडली में अगर हमको हम लोगों को समझना पड़े तो लग्न में लिखा है चार नंबर। चार नंबर कौन सी राशि है, कर्क राशि है। इसका स्वामी हुआ चंद्रमा। फिफ्थ हाउस में लिखा है आठ नंबर। आठ नंबर कौन सी राशि है, वृश्चिक। इसका स्वामी हुआ मंगल। नौ नंबर में क्या लिखा है, बारह नंबर। ये है हमारी धनुराशि, मीन राशि। इसका स्वामी हुआ गुरु। इस कुंडली के लिए हमारे पास तीन प्लैनेट मिलते हैं, चंद्रमा, मंगल और गुरु। इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा इस व्यक्ति को अच्छा फल देगी। अब ये अच्छा फल का मतलब क्या हुआ, अच्छा फल से तात्पर्य यह है, इस व्यक्ति के जीवन में जब चंद्रमा, मंगल और गुरु की दशा और अंतर्दशा आएगी तो काफी सुख आएगा, ये है इसका तात्पर्य। अब इसमें होता क्या है कि जब भी दशा, महादशा या अंतर्दशाएं चलती हैं तो ये कभी भी अकेले नहीं चलती, ये हमेशा याद रखिएगा। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में किसी भी मनुष्य के जीवन में केवल सुख नहीं है और किसी भी मनुष्य के जीवन में केवल दुख। मीन्स इंडिविजुअली आपके जीवन में दोनों का समावेश मिलता है, आपको सुख भी प्राप्त होगा और आपको दुख भी प्राप्त होगा। अब ये कितना मिलेगा इसको समझना है। जब जैसे ये प्रश्न आता है कितना मिलेगा और कब मिलेगा, तो उस समय हमको माइन्यूटली कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो माइन्यूटली जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम आप इसको समझ लीजिए, उसको बोलते हैं मैप, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा। कई कई डीबीए बोलते हैं, दशा भुक्ति अंतरा, दोनों का तात्पर्य एक ही है। ये जो मैप है MAP और दूसरा है डीबीए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, दशा, भुक्ति, अंतरा। अब इसके लिए हमको विमशोत्री महादशाएं देखनी पड़ती, 120 साल की जो महादशा होती है उसी को विमशोत्री महादशा कहते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। अगर इसमें नहीं होगा देन आई विल शो यू। विमसोत्री जो महादशा होती है 120 साल की, तो इन 120 सालों का लेखा जोखा होता है इसमें। योर सिस्टम इज वेरीफाइड, लॉग इन अगेन।
देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है इसकी विषुवती महादशा अगर हम देखें तो इसमें मंगल की महादशा 1998 की थी, 1998 मंगल के बाद राहु आया 2016 तक, ये राहु की महादशा है टिल 2016। आफ्टर राहु जुपिटर इज कम टिल 2020, मीन्स अभी ये जो जातक है वो तो जुपिटर की महादशा है। अब मंगल, अब इसमें अगर आप चेक करो राहु की महादशा कितने साल रही, 18 साल, 98 से 2016। जुपिटर कितने साल रही, 16 साल रही। शनि की 32 to 51, ऑलमोस्ट 19 ईयर। शनि के बाद मकर की, ये जो महादशा है इसका फिक्स पीरियड होता है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमें एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करने पड़ते हैं तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से प्रिडिक्शन। अब इसमें अगर आप चेक करिए तो जुपिटर की महादशा 2032 तक है, जुपिटर में मरकरी 11 जुलाई 2023 तक, उसके बाद आता है जुपिटर में, अभी तो जुपिटर में मरकरी है 11 जुलाई 2023 तक। अभी ये जो व्यक्ति है जिसका चार्ट हमारे पास है, ये देखिए ये है, ये गुरु जुपिटर की महादशा है, ये महादशा किसकी है, जुपिटर की। अंतर दशा किसकी है, मरकरी। प्रत्यंतर दशा किसकी है, शनि की। सो गुरु की महादशा में बुध का अंतर है और शनि का प्रत्यंतर। इस व्यक्ति के जो ऊपर प्रभाव होगा इसी का होगा। इस चार्ट को अगर आप लेबल अप करते हैं, लेबल अप कर लीजिए, तब देखिए आपको एक एक दिखे। मंगल की महादशा 1998 तक थी, उसके बाद राहु की महादशा 2016 तक है, उसके बाद जुपिटर की महादशा 2032 तक है, शनि की महादशा 2051। अब इसमें समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि अगर एक की महादशा, पांच की महादशा, नौ की महादशा चल रही, लग्न की, पंचम की, नवम की, ये सुख देगी, और 6, 8, 12 की चलेगी तो दुख देगी। जब हम महादशाओं का डिवीजन करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि किसी भी एक ग्रह की महादशा लंबे पीरियड तक अकेले नहीं चलती। जैसे इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको तीन मिले, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जुपिटर को ब्रेक किया, जुपिटर बुध, जुपिटर केतु, तो अभी जुपिटर मरकरी रहा हुआ। अभी इसको ब्रेक करिए, देखिए अभी देखो चार हो गया, तो ये चार सूक्ष्म दशा हो गई। अभी देखिए इसके बाद भी कुछ होता है, इसके बाद नहीं, इसके बाद उठी प्राण दशा भी होती है। इस व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव इस समय है, 24 जून 2023 इसके ऊपर देखिए, 4 जून 2023 इसके ऊपर देखिए, 27 मई 2023 ये है। जुपिटर मरकरी शनि मून, जुपिटर की महादशा है, बुध दशा है, शनि का प्रत्यंतर है और चंद्रमा के। अब इसका प्रभाव क्या होगा अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। इसी इन्हीं चीजों का प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से ही प्रभावित होता है, और जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है यही व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करती है कि कौन सी घटना कब घटित होगी, होगी कि नहीं होगी, ये कौन बताएगा, ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से पता चलता है। आज की कक्षा हमें यही समाप्त करनी। आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आज हमारी कक्षा में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरह आप आते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। आप में से कितने लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं? ज्योत्सना जी जी मैं करते हैं, करता हूँ। आप भी करते हैं, दीपक जी भी करते हैं। अच्छा, गौरव जी आप कहाँ पे हो? सर मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, मैं हॉलिडे इंडस्ट्री में काम करता हूँ। अभी आपने सुना होगा नाम, जैसे क्लब महिंद्रा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ उसमें कर रहा हूँ। लेकिन अभी आपसे सीख के करना है मेरे को, ये मेरा पैशन है, ऑकल्ट साइंस मेरा पैशन है, बिकॉज़ आई एम इनटू योगा एंड मेडिटेशन। तो जो आप अभी बता रहे थे आध्यात्म साथ में ज्योतिष, मेरे को एक एक वर्ड समझ में आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। देवाशीष जी आप कहाँ हो?
वो साथ में रहते हैं उनके मामा मामा के साथ बहुत पंडिताई करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अंजना जी आप। गुरु जी, हम तो कॉलेज में काउंसलर हैं। अच्छा एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। दिव्य जोशी जी आप। सर, अभी अध्ययन और लेखन चल रहा है। अध्ययन क्या चल रहा है? अच्छा और लेखन, किताबें लिख रही हूँ सर। किताबें लिख रही है, क्या क्या लिखती है? सर, अभी 3 किताबें लिख चुकी हैं, एक मीरा जी के ऊपर, बाकी हिंदी साहित्य में हूँ तो हिंदी साहित्य के ऊपर काम चल रहा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि सम वेट पर्सनालिटी इज स्पीकिंग। एमके जी आप कहाँ से हो? गुरु जी प्रणाम, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एज अ ग्राफिक डिजाइन काम करता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। मेरा भी कुछ ग्राफिक डिजाइन करके भेज। गुरु जी आप आदेश करिए, बस एक बार ही, एक बार बहुत आदेश करिए, बस जो चाहिए, पोस्टर, मैगजीन, बुक, डिजिटल एड, कुछ भी चाहिए, सब मैं अच्छा, बनाया करूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ज्योतिष लिखिए, आप में से अमेरिका से 4-5 क्लासेस और आप लोगों की बची होंगी, सीख लीजिए आप लोग, फिर हमको कॉल करके बता दें। मोनिका जी आप क्या करती हैं? सर, मैं जॉब करती अच्छा, हूँ दिल्ली। आप लोग अच्छे से सीख लो इसको, तो 2-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करोगे तो फिर अच्छा लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग भी होगा, अर्निंग होगा, और विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा कि वास्तव में इस संसार में क्या घटित हो रहा है। ये सारी चीजें आपके साथ घटित होगी, कॉल कर लीजिएगा एक बार आप लोग। और अभी क्लासेस रेगुलर होंगी, कल भी क्लास होगी, क्योंकि हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, 4-5 क्लासेस और हैं, उसको खत्म करते हैं ताकि आई कैन मेक यू यूजफुल। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न? हाँ, हमें लग रहा था गुरु जी कि आपने 6, 8, 12 का चंद्रमा बताया और हमें जानना था 1, 5, 9 का, लेकिन ठीक है, शायद आगे होगा वो। 1, 5, 9 वाले तो बड़े खुशहाल रहते हैं। सर, मेरा लग्न में है और तुला लग्न तुला राशि है, तो हम सोच रहे थे अभी होगा, आप कुछ बताएंगे कि लग्न में चंद्रमा क्या करेगा, तो कुछ आया ही नहीं। लग्न से चंद्रमा जो है ना, वो काफी लेके आता है, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो जाता है, आकर्षक व्यक्ति हो जाता है, और इनके स्कैन को लोग पसंद करते हैं, मींस पीपल वांट टू कम इन द कंपनी ऑफ सच पीपल। आप कभी कभी देखिएगा, लग्न में अगर सूर्य आ जाए तो गति है, तो आपके अंदर ना चाहते हुए भी अगर आप क्योंकि आप आपके चारों तरफ का जो ऑरा बनता है वो बहुत अच्छे बन जाता है, लोग आपके संपर्क में आएंगे लेकिन ज्यादा आपके संपर्क में रह नहीं पाए, लेकिन चंद्रमा के जातक के साथ होता है कि लोग आएंगे और रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें शीतलता होती है, ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। आपका लग्न चंद्रमा आपके अंदर बहुत पॉजिटिव अट्रैक्शन क्रिएट किया होगा, पीपल लव टू टॉक टू यू, आपसे लोग बात करना पसंद करते होंगे, आपसे लोग राय लेना पसंद करते होंगे, इवन ऐसा कुछ होता है आपके साथ? हाँ, मेरा प्रोफेशन वही बना ना, काउंसलर ही है ना कॉलेज में। दुखी से दुखी व्यक्ति आएगा, आप उसको मुस्कुराते हुए छोड़ दोगे, जाओ बी हैप्पी। वही वही हो गया गुरुजी, प्रोफेशन वही बन गया, क्योंकि मेरा शुक्र चंद्रमा ये सब कुछ लग्न में ही है बुध, तो मेरा प्रोफेशन वही बना काउंसलर, और कॉलेज में वो बच्चे पूरा लाइन लगाए रहते हैं बात करने के लिए। आप इस ज्योतिष में आइए, आप मिराकल कर जाएंगे, आप जुटे चमत्कारिक रूप से प्रभाव दिखाएंगे। हैं, देखिए आप भी वही करेंगे, दिव्या जी भी वही करेंगे, इवन एमके जी बहुत अच्छा करेंगे, गौरव जी, दीपक मलिक मास्टर हैं, एसपी जी भी कर रहे हैं, सौम्या जी बहुत अच्छा, वेल परफॉर्मेंस देंगे आप लोग, समझ। गुरु जी, मेरा भी 9 में है चंद्रमा, साथ में गुरु और मंगल भी है बहुत जबरदस्त है आपका, जी। और हमसे कॉल करिएगा, कुछ चीजें बता देंगे, उसको डिमांड करेंगे तो और भी आपकी पावर बढ़ती जी, कल मैं करूंगा। सेकंड सेकंड हाउस में और 9 राशि में, चंद्रमा सेकंड हाउस में है और सन राशि में। दिन भर बैठ करके आप पैसे के बारे में सोचती हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा
थोड़ा बहुत तो करिए अगर जीवन में नहीं। कर। हाँ, यू नीड टू फोकस ऑन मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जीवन में धन के एस्पेक्ट पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे, यू विल बी अनसक्सेसफुल। अपने जीवन के तीन पैरामीटर होते हैं, तीन पे हमें हमेशा चेक करना चाहिए। एक पैरामीटर है क्या हमारे अंदर प्रेम है संसार के प्रति, नहीं है हमें उत्पन्न करना है। दूसरा पैरामीटर होता है क्या हमारे पास मित्र हैं, नहीं है बनाने हैं। तीसरा पैरामीटर होता है हमारे पास धन है, नहीं है तो इकट्ठा करना है। ये जो आत्मसंतोष होता है ना, आत्मसंतोष का मतलब ये नहीं होता कि यू शुड बी वेरी वीक। जो रिसोर्सेज ईश्वर ने आपको दिए हैं उसका 100% यूटिलाइज करिए, दैट इज कॉल्ड आत्मसंतोष। आप इसको करो। दिव्या जी क्या प्रश्न है आपका? बिल्कुल इस चीज से फिर करते हैं, आप बताइएगा आगे बताएंगे आपको। का। सर मेरा 11वें में है चंद्रमा केतु के साथ। हाँ तो बड़ा भयंकर युद्ध होता होगा आपके आपके दिमाग में। जी आपकी आपका स्वयं से युद्ध है, आपका कोई शत्रु नहीं, आप खुद ही से लड़ रहे हो दिन भर रात भर अपने से ही लड़ना लड़ाई से। जी यस हाँ, जो स्वयं से युद्ध होता है वो बड़े खतरनाक होता है। दूसरे से युद्ध करना तो आसान होता है, चलो अच्छा नहीं बात करेंगे, वो अपने को हाथ में अड़ लग लेंगे, अपने से युद्ध चलने लगता है। सर, इसको कैसे ठीक करूं? इसको ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, वो इसमें सबसे अच्छा काम जो करता है वो मच्छमणि का होता है। देयर इज समथिंग स्टोन फॉर्म इन द विद इन द ओशन इनसाइड द फिश, उसका लॉकेट डाउन करिए, बहुत तेजी से आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग थॉट वेव रुक जाता है। जैसे बहुत ज्यादा विचार भी ना एक तरह से प्रॉब्लम होता है, समझ। वी नीड टू हैव लिमिटेड थॉट्स, जहां पे हमें जाना है वही। अब इतना सारा विचार लेकर के हम क्या करेंगे, इससे भारी हो जाएगा, स्टक। सर, इसको कम करना है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मैं मेडिटेशन भी करती हूँ पर हो पा नहीं रहा मेरे से। अब मेडिटेशन करने की चीज थोड़ी होती है, मेडिटेशन होने की चीज होती है। आज की जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, वी आर डूइंग योगा, वी आर नॉट इन योगा। वी आर डूइंग मेडिटेशन, वी आर नॉट इन मेडिटेशन। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिटेशन किसी क्रिया का नाम है नहीं, ये तो दिव्य ऊर्जा का नाम, भाई न इधर न उधर। जब तक आप तैरने का प्रयास करेंगे तब तक आप परेशान हो जाएंगे, और जिस दिन डूबने का प्रयास करेंगे उस दिन बहुत आसानी से डूब जाएंगे। जैसे अगर एक टारगेट दिया जाए कि एक नदी है, इसमें कौन कौन डूब करके दिखाएगा, कोई व्यक्ति है जो नहीं डूब पाएगा, सब डूब जाएंगे। अगर यही कह दिया जाए कि तैर कर भी पार करना है तो हो सकता है कोई डूब जाए। तो लक्ष्य भी ऐसा बनाओ ना जिसको प्राप्त किया जाए। मुझे डूबना है, आधा घंटा बैठ करके भगवान में डूब जाना है। अब भगवान में जब डूब जाइए वही है ध्यान, और जब तक आप उस ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक सब क्रिया है, एवरीथिंग इज एक्शन। क्रिया का परिणाम मिलता है, इतना परिणाम मिलता है कि आज का जो गलत ध्यान है वो आदमी को पागल बना दे रहा है। पीपल आर गेटिंग मैड आफ्टर रॉन्ग मेडिटेशन, और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये सही है या गलत है, बस हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। अब अपने को अपने से ही मार रहे हैं। बताओ कोई भी व्यक्ति अपने आत्म के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो हम अपने एग्जिस्टेंस को क्यों इग्नोर करें? व्हाई शुड वी इग्नोर? हमें इग्नोर करना ही नहीं है। इसी इग्नोरेंस की इज द प्रॉब्लम। सब लोग सोना चाहते हैं, किसी को जगा दीजिए तो जीवन में मुसीबत है, सोने के बाद बहुत आराम मिलता है। ये तो रॉन्ग थिंकिंग है ना, जागने में आराम मिलना चाहिए, भाई सोने में कौन सा आराम है? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज इट? सोने से कौन सी समस्या का हल होता है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, आप तो बोझ लेके ढो रहे हैं। एक दिन एक कागज पे बैठ करके सुबह लिखिए, बैठ करके हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, अब मुझे चाहिए क्या क्या, तब आपको समझ में आओ। अब उन सब प्रॉब्लम को लिख डालिए और कागज को फाड़ करके अग्नि में जला डालिए, देखिए आपकी सारी याद आती जाएगी। क्योंकि दिमाग का बोझा साफ करना जरूरी है, कोई साफ करने को तैयार नहीं है। कपड़ा गंदा हो जाएगा, लॉन्ड्री में दे दो, वॉशिंग मशीन से धो लो, एरियल लगा लो, मन को किससे साफ करेंगे बताइए? कोई दूसरा तैयार नहीं है, अपना मन इतना गंदा हो गया है तो वही प्रॉब्लम हो गई। अभी आप में से किसी के पास प्रश्न है? एसपी जी क्या प्रश्न है बताइए। जी गुरु जी, एक्चुअली पिछले 12 दिन हुआ है एस्ट्रोसेज में ज्वाइन किया हुआ था आपके आपके बदौलत। तो उसमें क्या हो रहा है ना, थोड़ा फ्री कॉल ही ज्यादा आता है, और अगर कोई दिन थोड़ा अर्निंग होता है तो फिर नेक्स्ट डे वो लोग फ्री कॉल ही मैक्सिमम दे देता है। क्या किसी दिन आपने जी
2000 रुपीज 4000 रुपीज का टारगेट अचीव किया? 2000 खत्म हो गया मेरा, वो तो कर लिया नहीं, आपने मोर इसमें देन किसी डे में 2000 रुपये आपने अर्न ना, किए, नहीं किसी डे में नहीं, किसी डे में नहीं, मेरा टोटल का बोल रहा है, तो डे का क्या किया, एक्चुअली कुछ भी नहीं किया आपने? ये आता ही नहीं है, ओनली सिर्फ 5 ओनली फिर वो फ्री मिनट वाला ही आता है। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई कांटा मछली को, मछली कांटा जो है मछली को नहीं पकड़ता है। आपने देखा है कांटे को मछली को दौड़ाते हुए? नहीं देखा होगा, हमेशा मछली कांटे को पकड़ती है। नहीं एक्चुअली अभी सिर्फ चैट ऑन है, तो चैट अच्छा, में तो हाँ सिर्फ चैट ऑन है अभी। कॉल तो अभी आपके आ नहीं रही होगी, 1 महीना इसी में चल जाएगा। कॉल नहीं, कॉल हमने पीक आवर में एक दो बार ऑन किया था तो आया था, मतलब दो कॉल लिया था, लेकिन उन्होंने मना किया था कि 1 महीना कॉल नहीं लेना है, ओनली चैट फर्स्ट ओनली मंथ। ओनली चैट करिए, जब चैट होती है 5 मिनट की, जब 4 मिनट 30 सेकंड बीत जाते हैं तो ये कि हम आपके पास, आपकी कंपनी में बहुत कुछ है जिसको हम बताना चाहते हैं, हम आपसे अपेक्षा करेंगे आप दोबारा कनेक्ट करेंगे। ऐसे 20 लोगों को आप टाइप करेंगे तो उसमें 2 लोग आपके पास वापस आ जाएंगे, उस समय आपकी कॉल रेट हाई रहती ओके नहीं इसको छोड़ के और कोई प्लेटफॉर्म है क्या गुरुजी जिसमें? बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। अभी हम लोगों की रिकॉर्डिंग चल रही है, ये चला जाएगा यूट्यूब पे, तो हम जो आपसे बात करेंगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, पता चला कोई प्लेटफॉर्म वाला के ढूंढ लिया। ओके हो बात करिएगा, हाँ सके आपको करा देंगे, दिन भर बैठ के बात करें, गौरव तो थोड़ा थोड़ा करा देंगे आप। किसी और प्लेटफॉर्म में करा दीजिए। चल 12 बजे के बाद हम फ्री हो जाएंगे, एक जगह ये करा दे जाना, 1 बजे के बाद फ्री होंगे तो हम कराते हैं आप। ठीक है गौरव ओके। अपनी समस्या बताइए। सर मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है और मतलब 20 से ज्यादा डिग्री का है। दूसरा वहां केंद्रम योग भी बन रहा है और उस पर 9th हाउस पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो अच्छा, बहुत मैं जानना चाहता हूँ ये कैसा रिजल्ट देगा फर्स्ट हाउस के थ्रू। अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है तो उसको डायरेक्शन दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा एक ग्रुप मैं है, अगर समझा नहीं सर, दोबारा बताए। आपके जीवन में डिप्रेशन है तो उसको डायरेक्शन दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसीलिए तो मुझे आना पड़ा इंटेंसिटी के साथ योगा एंड मेडिटेशन में, और मैं ओशो का डिसाइपल भी हूँ और एक इंटेंस डिसाइपल हूँ। और अभी तो ये होने लगा है कि लोग मुझसे काफी परामर्श लेते हैं या जानकारी लेते हैं योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। अभी मैं NLP का कोर्स भी किया है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो इसी में और विचार को बहुत अच्छे तरीके से बहुत तीक्ष्णता के साथ देख भी पा रहा हूँ मैं विचार को। तो डिप्रेशन तो आया था, बहुत भयंकर डिप्रेशन था, अगर मैं नहीं जाता अध्यात्म में तो सुसाइड कब का कमिट हो चुका होगा, इंटेंस मेडिटेशन वो था डिप्रेशन। अब तो आपको पता चल गया होगा कि सुसाइड किया ही नहीं जा सकता, आपकी तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। आध्यात्मिक हाँ व्यक्ति के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि वो मर ही नहीं सकता, हाँ है कि नहीं समस्या? हाँ बहुत समस्या है। हाँ समस्या है कि आप मत की मृत्यु ही नहीं हो सकती, वहां संसारिक व्यक्ति मरने से डर रहा है और यहाँ आप कह रहे हो कि भाई हम तो मर ही नहीं सकते, आई कैन नॉट डाई, मैं क्या करूं कि मेरी मृत्यु, तो हम तो जीवन का प्रयास करते हैं ना, आई हम तो हाँ रियली नहीं, अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो आई रियली लव डेथ। भाई हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। अध्यात्म का मतलब क्या हुआ? जब तक आपके अंदर ये सोच न बैठ जाए कि मेरी मृत्यु नहीं, ये याददाश्त वाली नहीं है कि कोई व्यक्ति बैठ के याद कर ले कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, ये वास्तविक आपके जीवन का अनुभव होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड जो था वो इंडिया में भी आया, उसके गुरु ने सिखाया था कि भारत से किसी ज्ञानी को ले गया, तो उसको याद आया कि भाई अब तो बहुत कुछ कर लिए मारकाट, अब एक ज्ञानी को पकड़ते हैं। तो रास्ते में एक मॉन्क था, ही वाज नेकेड, और उसने सोचा कि देखो इसके पास तो कुछ नहीं, मैं तो यहाँ सोना चांदी लूटने के लिए आया था, ये तो बहुत खुश है, इसी को ले चलते हैं अपने देश में, बोले गुरु को भेंट कर देंगे। तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ बैठ जाओ, ही सेड नो आई कैन नॉट सिट विद यू, सो से रिप्लाई किया यू डोंट नो हु एम आई, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उसने बोला कि यू डोंट नो हु एम आई, आई एम द स्पिरिट रूलर ऑफ दिस बॉडी, यू कैन नॉट किल मी। तलवार निकालता मारने के लिए, फिर भी वो हंस रहा होता है। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां पे हार जाता है, अब वो बार बार कहता है कि अलेक्जेंडर तुम मुझे मार नहीं सकता, तुम कर ले मुझे मार नहीं सकता, तो कहता है कि मेरी विश्व विजय तो तुम्हारी आत्म विजय के आगे कुछ भी नहीं है। वो
वो गिड़गिड़ाने लगता है और जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है अपने, अब सोचो इस बात को, हम तो कभी कभी इस बात को सोचते हैं, वो तलवार से नहीं मरा, वो एक मॉस्किटो से मर गया, मॉस्किटो बाइट हाँ मलेरिया हुआ मर गया। उसकी गलती क्या थी मालूम, वो तो अपने साथ मॉस्किटो नेट लेकर नहीं आया था, मच्छरदानी लेकर आया था, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो ये सब जीवन की घटनाएं होती है। अब इसमें जो आत्म की विजय होती है, अब कहने में तो बड़ा आश्चर्य लगता है, जिस दिन आत्म की जागृत हो जाती है ना, वो बड़ा अद्भुत जीवन हो जाता है। अब एक आदमी जीते जी भूत हो जाए, भाई मरने के बाद भूत हुआ तो अलग बात है, दूसरे लोग डरते हैं भाई भूत भूत, कभी देखा है लोगों ने? भाई जिसका अनुभव जिसको होता है उसी से पूछिए, वो बताएगा कितना खतरनाक होता है। अब वो जीते जी मर गया, बहुत बड़ा भूत हो गया, दूसरे को देखने के बजाय उसको लग रहा है कि मैं भूत हूं। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में जीवन जो है बड़ा क्लिष्ट हो जाता है। अब जो अब किसी को चोट लगती है वो रो रहा है, अब उसके शरीर को चोट लगती है वो तो हंस रहा है, किसी को बुखार आ गया बेचारा रो रहा है, उसको बुखार आता है वो हंस रहा है, क्योंकि उसको तो बुखार हुआ नहीं, वो तो शरीर को चोट लगी है उसके। तो ये ड्यूअलिज्म जब जीवन में आता है ना, तो बड़ा जबरदस्त युद्ध हो जाता है। ये आप सभी के साथ घटित होगा, आप घबराइएगा बिल्कुल, क्योंकि हमारी ज्योतिषी कक्षा ज्योतिष अध्यात्म है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू प्लानिटरी पोजिशन और उसका प्रभाव, आपकी आत्मा को हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमेशा लोग नौ ग्रह पढ़ते हैं आत्मा को छोड़ देते हैं, भाई आत्मा का भी प्रभाव होता है कि नहीं होता, आत्मा परमात्मा के संतान, देयर इज डेफिनेटली इंपैक्ट ऑफ दैट। तो मेरे जितनी भी कक्षाएं होंगी उसमें आप पढ़िएगा, 35 मिनट हम ज्योतिष पढ़ाते हैं, 25 मिनट आत्मा को पढ़ाते हैं, ताकि जितने भी जातक हों कम से कम वो अपने को तो जान लें। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा आपको आनंद है, प्रेम है, शांति है, सब पहले से भरा हुआ है। अरे भैया जो ईश्वर की संतान होगा उसको क्या चाहिए बताइए? जब आप भूल जाते हो कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द गॉड, आई एम नॉट द सन ऑफ गॉड, उस समय जीवन में आपकी बहुत तकलीफें होंगी। उस समय आपका युद्ध आपकी पत्नी से हो जाएगा, आपका युद्ध आपके हस्बैंड से हो जाएगा, मतलब कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, अपने घर में ही शुरू हो गया। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दो भाइयों के बीच तो हुआ था, कौरवों और पांडवों का युद्ध किसी तीसरी सेना से नहीं हुआ था। अगर किसी तीसरी सेना से होता तो जो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था ना, वो आधा घंटे भी नहीं चलता, इतने बड़े जबरदस्त योद्धा हस्तिनापुर में बैठे। तो ये हमारा युद्ध जो है किसी और से नहीं होता, हम ही से होता है, हम स्वयं से ही युद्ध करते हैं। और जब हमारी स्वयं से युद्ध में विजय हो जाती है, विजय का मतलब क्या, वी सरेंडर, क्या हमको युद्ध नहीं करना, जो करेगा भगवान करेगा, एवरीथिंग विल बी डन बाई गॉड, देखिएगा वो जीवन आप दिन आपके जीवन का आनंदमय जीवन होगा। जिस धन के पीछे भागते रहते हो भागते रहते हो, आता नहीं है, स्थिर हो जाओ देखो आपके पास तुरंत आएगा, क्योंकि धन की देवी जो लक्ष्मी जी है ना, वो विष्णु भगवान के पास जाती है और किसी के पास नहीं जाती। नारद जी ने एक बार गलती से प्रयास कर लिया था, भगवान से पास गए, कहे कि मेरा मुख हरी जैसा बना दीजिए, उन्होंने कह दिया तथास्तु। अब भगवान को अपने भक्त का भी कल्याण करना था और लक्ष्मी जी को भी बचाना था, नहीं तो उनकी लक्ष्मी जी चली जाती। अब बताइए कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को किसी दूसरे से शादी कराएगा? हो ही नहीं सकता। और ये नारद जी जैसा व्यक्ति चले गए विष्णु भगवान के पास, अपने जैसा चेहरा दे दीजिए हरि की तरह। और दूसरा अपनी पत्नी, मतलब कितनी भी बुरी वो छोड़ेगा नहीं, वॉट एवर काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनैलिटी इज देयर। सो ये सारी चीजें जीवन में समझने की होती है। और हमारे सामने एक समस्या घटित हो गई है, इस कलयुगी संसार में कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेना नहीं चाहता, सब एवरीथिंग वॉन्ट शॉर्टकट, पूजा करो भगवान प्रकट हो जाए, पूजा करो जीवन की समस्याएं हल हो जाए, प्रार्थना करो इसे ये हो जाए। तो और कोई विश्वविद्यालय बना नहीं जहां हम समय दे सके सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए। आज गुरुकुल बंद हो गए, किसी के पास गुरु ही नहीं है, वो अपना गुरु खुद ही बैठा, मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे, बताइए। अगर हमको इंजीनियरिंग पढ़नी है तो कोई इंजीनियरिंग वाला पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़नी है तो मैथमेटिक्स के टीचर पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़नी है, अब हमको अध्यात्म पढ़ना है हम अपने से पढ़ेंगे, पढ़िए भैया महात्मा बुद्ध की तरह जीवन लेके इधर उधर घूमिए, फिर एक नया ज्ञान लेके आइएगा कि बाकी जो लोग कर रहे हैं बेकार है, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीजों से ना थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारी लाइव क्लासेस को आप वीडियो देखेंगे, उन सभी से अनुरोध है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और आपके पास कोई समस्या हो अपने जीवन की तो बिल्कुल हमें बताइए, हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे। दिव्या जी क्या प्रश्न है आपका? गुरु जी, यदि किसी घर में 3 या 4 ग्रह एक साथ बैठे हो तो उसका क्या अर्थ होता अरे बहुत जबरदस्त उसके जीवन में लाभ मिलता है। अब वो घर कौन सा है, ग्रह कौन से बैठे हैं,
उस व्यक्ति का जीवन का जो व्यक्तित्व तो होगा वो एक विशेषता लेके आता है। अब चार ग्रहों का प्रभाव आपको दिखाना है, सूर्य मंगल बुध एक साथ बैठ गए, अब कौन सी विशेषता है ये बताइए। बुध जो है व्यक्ति के बाड़ी का कारक है, सूर्य उसका आत्मिक तेज है, मंगल उसका योद्धापन है, तीनों एक साथ मिलेंगे उसको उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी ले आएंगे, वो तरह तरह से लोगों को घुमाएगा। इसी में राहु आके बैठ गया तो बहुत बड़ा नेता हो जाएगा, वो इतना झूठ बोलेगा कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, महान मायावी हो जाएगा वो। जो माया का चक्र है ना, ये चार पांच ग्रह एक साथ मिलकर के करते हैं। अब अकेला एक टैलेंट व्यक्ति के अंदर आ जाए तब वो इतनी महानता पे जाता है, और चार एक जगह बैठ गए तब तो वो उस किसी विशेष क्षेत्र में उसको विशेषता दे देते हैं। ऐसे ही जातक जो है आज नेता बनते हैं, अच्छे लीडर बनेंगे, अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे, अच्छे एक्टर बनेंगे, अच्छे आध्यात्म वेत्ता बनते हैं। ये जो आध्यात्म है ना, इसमें जितनी डुबकी लगाएंगे उतनी मोती निकलती, कोई लगाना ही नहीं चाहता, बड़ी बहुत बड़ी समस्या हो गई, पानी में सब कुछ गिर निकलेंगे। अब कह दिया जाए श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें एक श्लोक सुनाइए, कोई एक श्लोक सुनाइए जो आपको याद हो। अब बहुत मुश्किल हो जाएगी व्यक्ति के पास, भाई ये कौन सा प्रश्न पूछ दिया, मेरा श्रीमद् भगवद गीता से क्या लेना देना है। अब बताइए श्रीमद् भगवद गीता का आपसे नहीं लेना देना है तो बंदरों से लेना देना है, जानवर से लेना है, किससे लेना देना है, मनुष्य से ही है ना। अब उसका एक भी श्लोक याद नहीं है, उम्र हो गई 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की, अब श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद नहीं। अब हम याद क्यों करें, हम तो समझेंगे, अरे कोई एक श्लोक याद कर लेते प्रभु। कम से कम 18 चैप्टर में भगवान 700 श्लोक बताते हैं, कुछ अर्जुन के मियाँ छोड़ दो उसको, कम से कम एक याद करेंगे, एक टारगेट लेके चलो, नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे उनको कल्याण है तो कहाँ से होगा भाई, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है इसको लेके चलिए, जीवन में सफल हो जाएंगे। आज की कक्षा हम लोग यही समाप्त करते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अब किसी और किसी के पास कोई प्रश्न, एमके जी क्या प्रश्न है बताइए। नहीं गुरुदेव सर से कोई नहीं है, बस कक्षा समाप्त हो चुकी है इसलिए आपको पढ़ना। गुरुजी वैसे एक मेरा प्रश्न है, मतलब बिल्कुल थोड़ा हटके है इससे, कि बिल्कुल जैसे मेरे को आपको कुंडली दिखानी होती है अपनी, मैंने किसी को दिखाई थी तो उन्होंने मेरे को बताया था, मैं थोड़े मन से परेशानी रहती, डिप्रेशन या थोड़ा तनाव रहते, क्योंकि हमारा काम भी कुछ ऐसा है, तो उन्होंने मेरे को चंद्रमणि जो आपने बताया पेट में देखो हम आपको बताते हैं, एक हमारे वो पास पहनने को बोलते हैं एक राहु का रथ। कोई हमारे पास कोई कुंडली दिखाता है तो हमारे पास तीन उपाय हैं जो उसको यूज करते हैं। एक उस व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं, दूसरा उस व्यक्ति के जीवन में धन लाना शुरू कर देते हैं, और तीसरा उसके संबंधों को हम ठीक करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे अभी इस ग्रुप में है नहीं, कुछ लोग थे जो मुझसे पढ़ते थे, अब उनकी पत्नी चली गई मद्रास, मुझसे बात किया, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, मैंने उनको कुछ भेज दिया पहन दो, उनकी पत्नी वापस आ गई, अब बेचारे खुशी हो गए। यही ना करोगे आप, उसके व्यक्ति के जीवन की जो समस्या है उसको दूर करिए, उसके संबंधों को ठीक करिए, उसकी वाणी को ठीक करिए, उसके पास धन आना चाहिए भाई, दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। और नहीं आ रहा है तो समझ लो बेचारा दुखी रहेगा। अब उसको ये तो मत कहो कि आत्मसंतोष करो, आत्मसंतोष करो। जैसे आप हमारी कक्षा में अभी 4-5 दिन से जुड़े हैं, मेरी कक्षाएं बहुत दिन से चल रही है, मेरे मैंने कम से कम 5 लोगों को ज्योतिष पढ़ाया, ज्योतिषी बना दिया, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं कहीं काम करने, किसी के पास 40,000 आते हैं, किसी के पास 10,000 आते हैं। अभी देखिए एसपी जी बैठ रहे हैं, बता रहे हैं कि 100 रुपए का काम किया दिन भर में, 200 रुपए का काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि ही इज डूइंग ओनली दिस वर्क। अब उनको एक नया रास्ता चाहिए जिससे 1,000 रुपए काम करे, जो टारगेट होता है ना पर डे 4,000 रुपए काम करने का होता है। आप जब धीरे धीरे विकसित होंगे तो महीने में वे 1,20,000, तो दूसरे महीने आप हमको कॉल करके थोड़ी कहेंगे कि हम गुरु जी बहुत परेशान है, आप कहेंगे कि 1 लाख आ रहा है, 2 लाख का टारगेट हमको पूरा करवा दीजिए। गुरु जी मेरे को, गुरु जी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, अच्छी खासी सैलरी, सब कुछ ओके, गुड वाइफ अच्छी, बच्चे अच्छे, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो शायद ग्रहों का कुछ चक्कर है क्या है, पता नहीं ये थोड़ा सा ना ऐसे नशे पट पट करती है और थोड़ा नसें फटफट करती है, दिमाग कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी आके आपके सिर पे बैठेगी, उसको निकाल देंगे ठीक हो जाएगा। वो नेगेटिव एनर्जी है ना, तो कैसे निकाला हाँ जाएगा, आपको कुंडली विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। वो पता चल जाता है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी सारी एनर्जी आकर के बता दीजिए कि हम कौन है, हमको कहाँ जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे। चलिए तो गुरु जी आप मतलब आपको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा उस चीज को लेकर, आप उसका एनालाइज कर सको कुंडली। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मेरी फीस पे कर दीजिएगा, फिर हम आपको टाइम बता जी देंगे, आपसे बात कर मैं देंगे, आपसे 15-20 मिनट बात करके आपकी समस्या लेकर के ईश्वर से प्रार्थना। अभी कर दे, बिल्कुल मैं अभी कर दूंगा सर, आप आपको थोड़ी देर बिल्कुल। मेरे को बता दीजिए। और किसी के पास कोई प्रश्न है? सर मुझे मच मनी चंडीगढ़ से मिल जाएगी?
आपको मच्छमढ़ी जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, मिल जाएगी वहां से। अच्छा सर, कितने की बता रहे थे आप? व्हाट्सएप करिएगा, हम बता देंगे। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो जो है यूट्यूब पे चला जाता है, इस वजह से बहुत सारे प्रश्नों को मतलब मुश्किल हो जाता है, पता चला कि वीडियो लेकर के सर्कुलेट करना सबको नहीं, हम लोगों को लिमिटेड वर्ड्स में टॉक करने पड़ते हैं, आज का जमाना ही वायरल है पूरा। एक नए गुरु जी प्रकट हो गए, अब ढूंढिए भैया कहाँ से कहाँ। अभी मैंने सोचा है वो जो मेरा ग्रुप है, लेकिन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद करके सबका दुख सुन लीजिए आप। गुरु जी ये नया ग्रुप बनाया हुआ है अपने इस बैच के लिए? हर महीने मेरा दो बैच चलता है। ये मेरा ऐड नहीं है, नंबर ऐड कर दीजिए लाजी। आपका नंबर इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, आपका नंबर जहाँ है भाई अच्छा। लिंक पे क्लिक करिएगा, आप जुड़ेंगे, आपको ऐड कर देते हैं। अच्छा। अभी एक नया ग्रुप मैंने बनाया है, साधना का ग्रुप है, अभी उसमें हम लोगों को और जोड़ रहे हैं। मेरी इच्छा है कि 1,000 लोग जुड़ जाए और 1,000 लोग ऐड करके साधना करें। और गुरु जी वो जो दूसरा ग्रुप बना है अध्यात्म वाला, उसमें कुछ शुरू नहीं हुआ? उसमें कुछ करिए, कुछ शुरू नहीं हुआ उसमें, कल के बाद से शुरू करेंगे। एक बहुत बड़े साधकों का ग्रुप बना है, साधकों के मतलब ऐसे लोग जो साफ सुथरे प्रवृत्ति को हों, अपने जीवन में सुधार होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हो। आई डोंट वॉन्ट टू मेक द ग्रुप ऑफ सन्यासी, एक साधकों का ग्रुप होगा जिनकी ज्ञान बुद्धि विद्या बल जो उनके पास भगवान ने दिया है आगे और एनहांस कर देना है, उससे वो जीवन में खुद सुधार हो सके और दूसरों को सुधार दे। साथ ही साथ जो हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान जो विलुप्त प्राय हो गया है, उसकी जागृत करानी है, ताकि भाई एक ही व्यक्ति जो है संसार में कितना बड़ा परिवर्तन ले आ सकता है, वो जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा परिवर्तन ले आ सकता है। अगर वो बुद्ध के स्तर से खड़ा हो जाए तो एक धर्म बना देगा, महात्मा गांधी के स्तर पे खड़ा हो तो ब्रिटिशों को भगा देगा। तो इससे घबराने का कोई विषय नहीं है कि हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अकेला सूर्य भी होता है, अकेला चंद्रमा भी होता है, लेकिन सूरज जब उगता है तो अंधेरा भाग जाता है, रात के अंधेरी रात में एक चंद्रमा के प्रकाश से भी व्यक्ति आत्मा चला जाता है। तो उसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना है। और इस कार्य में आप अकेले नहीं होंगे, पूरे विश्व की ब्रह्मांड की जितनी सकारात्मक ऊर्जा है वो सब आपकी सहायता करने के लिए तैयार, यू आर नॉट अलोन। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट ग्रुप सून, और ये ग्रुप ज्योतिष का चलता रहेगा। अभी 10 क्लास के बाद एडवांस ग्रुप की क्लास होगी, उसमें भी आप लोग जुड़िएगा, और वो दैट इज प्योरली आध्यात्मिक ग्रुप फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जिससे जैसे एमके जी ने बताया इनके सिर का भारी चल रहा है, तो एमके जी का भी सिर खाली हल्का हो जाए और ये दूसरे के सिर को भी हल्का कर दे। जब एनर्जी रहेगी तभी तो हो पाएगा, अदरवाइज हम तो अपने सिर पकड़ के बैठे हैं, भगवान अब क्या होगा, मेरा ये जीवन मनुष्य की योनि में भेज दिया प्रभु, अगली बार मत भेजना। बताइए इतना नकारात्मक चिंतन लेकर के आदमी बैठा हुआ है, ये कहने की बजाय कि बहुत अच्छा हुआ हमको बार बार भेजो, हम कितनी बार भेजेंगे, हम आएंगे यहाँ भाई, आई एम रेडी टू कम, मुझे आपकी सर्विस करनी है। अब भगवान ने बताइए, परंतु जो मनुष्य वो तो मोक्ष चाहता है ना, वो जीवन चक्र में फंसना नहीं चाहता, बार बार मनुष्य। ये बहुत बड़ी विडंबना है, किसी शास्त्र में मोक्ष और मुक्ति की प्रार्थना नहीं की गई, कहा गया है कि भगवान जितनी बार भेजना चाहो भेजो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ पृथ्वी पर, मैं तुम्हारी सर्विस करूंगा। न मैं काम मुझे न मुझे स्वर्ग की कामना है, न मुक्ति की कामना है, न मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सिर्फ यही एक ही कामना है कि आपकी सर्विस करनी है, इसीलिए भेजो मुझे बार बार, मैं बार बार आऊंगा इस धरती पर, मुझे मुक्ति और मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति और मोक्ष कायरों को चाहिए भैया, यहाँ हमको युद्ध करना है, भगवान का क्षेत्र हम आएंगे बार बार आएंगे। और जितना ये विश्वास आपके अंदर जमता हो जाएगा ना, प्रखर व्यक्तित्व हो जाओगे, स्वर्ग में कायर नहीं प्रवेश करता, आप जहां खड़े होगे वही स्वर्ग होगा। हमेशा यही याद रखिएगा कि जो व्यक्ति जीते जी इस धरती पे स्वर्ग की अनुभूति नहीं कर सका, उसको मृत्यु के उपरांत दूसरों की प्रार्थनाओं से स्वर्ग नहीं मिलेगा। पॉजिटिव थॉट्स हैं, भगवान की कृपा है। आज की कक्षा बड़ी आनंदमय आई भाई, आप में से कोई वाइब्रेटिंग पार्टिकल से जुड़ा हुआ था, कौन व्यक्ति था भाई? आप लोगों को भी आनंद आया? बिल्कुल सर, आपका चंद्र कहाँ पर है? मेरा चंद्र मेरा चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में विद्यमान है, चौथे घर में है। कौन सी राशि में?
वृश्चिक राशि का चंद्रमा है। देखो तो फिर आप खुश हो और एमके जी दुखी आप अध्यात्मिक में है ना। इसके पीछे का कारण है कि मुझे गुरु चेतना ने इम्बॉडीड कर रखा है। आपको ऐसा लगता हो कि आई एम गिविंग यू नॉलेज, ये ज्ञान जो है आई एम ओनली द ट्रांसमीटर, ब्रॉडकास्टिंग इज हैपनिंग फ्रॉम समबडी एल्स। तो जब भाई आप बॉस का काम करोगे तो बॉस का काम है ना आपको सैलरी देना। मनुष्य जो है भूल सकता है, भगवान नहीं भूलता, गुरु नहीं भूलता, वो आपको पर्याप्त सैलरी देते रहेंगे अपने कार्य का। तो ईश्वर के प्रति समर्पण करके आज शांत पाठ करते हैं, अगले दिन फिर हम लोग इसी आनंद में डूबेंगे और ज्योतिष को सीखेंगे और दूसरों का कल्याण करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति। ओम शांति 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 सर्वायु शांति भूत विश्वानि देव सवितर दुर्गानि पराशर यद्भद्रं तन्नाश। ओम शांति शांति, शांति।